तो कर्मचारी आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे? जी मैं सो रही थी उस टाइम। सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है पूरा, जो भी मैकेनिकल है जो भी है वो खुलेआम हॉस्टल में घूम सकते हैं, ड्राइवर आके घूम सकता है हॉस्टल में, लेकिन हमारे पेरेंट्स हॉस्टल के अंदर आके पानी भी नहीं पी सकते। जब भी वार्डन के पास जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम के लिए तो दरवाजा सीधा मुंह पे बंद करती है। और मैम क्या बोलती है कि तुम लोग को जब पता था 10 बजे कि तुम लोग के साथ ये सब हो सकता है तो तुम लोग पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किए? हम पहले से जानते हैं क्या कि हमारे साथ ये सब होगा? ये भी बोला जाता है कि तुम्हें प्रैक्टिकल नंबर कम दिया जाएगा यदि तुम बोलोगे तो। हाँ, मानसिक पटाना किया जाता है यहाँ, मानसिक पटाना किया जाता है यहाँ। फिर हम चुप हो जाते हैं कि हमारे बोला जाता है हम तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे वो देंगे, फिर हम चुप हो जाते हैं। वो हमको बच्चे समझ के वहाँ पे ये सब किए थे, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये शुरू से हो रहा है हमारे साथ और अब पता नहीं कब तक होगा, और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये होते ही रहेगा। बहुत केस हो चुका है फिर भी वार्डन को नहीं निकालेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आप लोग को पता है सर से बात करें, सर क्या बोले, नर्सिंग कॉलेज इनके अंदर नहीं आता है। मैडम कहाँ गई है? बिलासपुर गई है। ना डीन सर है ना प्रिंसिपल मैडम है, तो हम बात किससे करेंगे? हम वही पे बुलाते हैं सभी को। किसको बुलाएंगे सर? नहीं जाएंगे हम, नहीं जिसको मैं बुलाए यहाँ, मेरे को आप ही बोले कि यहाँ हो सर। सुनिए भैया, जो भी यहाँ पे बहुत सबको वायरल है, सब मास्क पहने हुए हैं, इस तरह से बैठेंगे तो हम सबको उस तरह होगा। आप लोग का मास्क है? सर को बोला सर आप वहीं आइए, सर बोले यहाँ ऑफिस में, हम ऑफिस में सारा क्राउडेड है। यहाँ पे जो आपके नर्सिंग कॉलेज के हैं वो भी बोले, इतने क्राउड के बीच में ही जाके आप क्लास में पढ़ाती हैं बिना मास्क? नहीं नहीं मैम पढ़ाती हैं। सुनिए सर, अभी कोविड हो चुका है। सर ने हमको यहाँ सर को नहीं पता, मेरे को आपको रिक्वेस्ट है सर, आप उधर आइए, सब लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, इस तरह से आपको बैठने की जरूरत। अंदर बुलाओ ना, सुनो ना, उधर सर से कोई बात मत करो, अंदर आ जाओ। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं तीरंदाज। चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है दुर्ग में, यहाँ पर कल छेड़खानी का मामला सामने आया है, बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ जो छात्राएं जो पढ़ाई करती हैं हॉस्टल में, उनमें से किसी दो या तीन, एक छात्रा थी जिनका तबीयत ख़राब हो जाता है, उनको रात में ओपीडी में भर्ती कराया जाता है। वहीं ओपीडी में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और जब इसकी शिकायत रात में वो अपने हॉस्टल वार्डन से करती हैं तो वार्डन सीधे से अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाती हैं और कहती हैं कि आपको 11 या 12 बजे के बाद, इस टाइम लिमिट के बाद हम हॉस्टल का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, आपको रहना है तो रहो। बाकी बात हम छात्राओं से ही कराते हैं, जो पीड़िता है उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था कल? वार्डन मैम हमको डिनर के टाइम कॉल किए थे, फिर हम उनको बताएं कि ड्रिप 12 बजे के आसपास ख़त्म होगा, तो वार्डन मैम बोली कि ठीक है रात को रुक जाना, मैं गेट नहीं खोलूंगी बोली थी उस टाइम। ये कल कितने बजे आपकी तबीयत खराब हुई? मेरी तबीयत नहीं खराब हुई थी, जिसकी तबीयत खराब हुई है घर गई है। अच्छा, उनको घर ले गए, आप साथ में थी? जी। तो कर्मचारी आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे? जी मैं सो रही थी उस टाइम। क्या नाम था उसका? नाम जो कर्मचारी था उसका यशवंत कुछ था। वो किस पद पे है यहाँ पे? स्वीपर है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कितने बजे और सबसे पहले किससे की? हम लोगों ने उसके बाद गीता मैम को कॉल किया था, वो हमको लेने के लिए आई थी, वहाँ के सिस्टर इंचार्ज को बताया था, सिस्टर इंचार्ज ने उसको बाहर किया था वार्ड से। अच्छा, उसको बाहर किया वार्ड से। फिर गीता मैम ने अपनी इच्छा के अनुसार हमको वहाँ से हॉस्पिटल से वो हॉस्टल लेके आए थे। गीता मैम, ये जो हॉस्टल में जाने से वार्डन, कौन वार्डन है जिन्होंने आपको मना किया और क्या बोला था उन्होंने? वार्डन ने, हम लोग बोले वार्डन को कि ड्रिप
12 बजे के आसपास खत्म होगा, तो वार्डन मैम ने बोला कि मैं गेट नहीं खोलूंगी, वही रुक जाना बोली थी। क्या उन्होंने छेड़छाड़ वाली बात आपने वार्डन को बताई थी? नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद? नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही था। हम लोग गीता मैम को पहले कॉल किए थे क्योंकि वार्डन तो आते ही नहीं थे। अच्छा, और इसके बाद फिर आज इसकी शिकायत आप लोग कल रात में किए, तो क्या अब तक कुछ कार्रवाई हुई उस कर्मचारी के खिलाफ? आप लोग को कुछ पता चला, ऐसा कोई किसी ने जिम्मेदार व्यक्ति ने आके आप लोग को बताया कि हाँ उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, हमने उसके खिलाफ ये एक्शन लिया? प्रिंसिपल मैम आई थी, उसने बोला था कि एक्शन होगा करके। हमारी क्लास टीचर भी आई थी, वो भी बोले थे कि एक्शन होगा करके। यहाँ पर आप लोग आज क्यों विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या आप लोग को चाहिए, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग जिम्मेदार व्यक्तियों से? हम वार्डन मैम को निकालना चाहते हैं, और न्यू वार्डन मैम चाहिए और गार्ड चाहिए हमको। अच्छा, आप लोग को हॉस्टल में गार्ड नहीं है? जी। और उस कर्मचारी को अब तक निकाला गया है, नहीं निकाला गया है? नहीं पता। तो ये क्या बोलते हैं, जब गार्ड वहाँ पे नहीं थे, ये कब से यहाँ पे गार्ड नहीं है? शुरू से जब से आप लोग आए तब से, या अभी कुछ कारणवश उसको हटाया गया है गार्ड को हॉस्टल से? हम लोग जब पहले थे तो था गार्ड, उसके बाद हट गया था। कितने दिनों से गार्ड नहीं है आपके हॉस्टल? 5-6 महीने हो गए, उससे भी ज्यादा हो सकते सर। एक बार आप लोग बता दीजिए क्या चाहते हैं, एक बार फिर से दोबारा आप लोग की मांग क्या है? वार्डन को रेस्टिगेट किया जाए, हमको एक गार्ड चाहिए। और जिस कर्मचारी ने छेड़छाड़ किया उसके, हाँ, उसके खिलाफ हमको केस करना है। ये सर, ये पूरा मामला क्या है, जो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला अभी आपके कॉलेज में सामने आया, कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, ये क्या पूरा मामला क्या, एक बार बता दीजिए आपको क्या कितनी जानकारी? इस संदर्भ में एक नर्सिंग की छात्रा जो है, जो हमारे कॉलेज से संबंधित नहीं है, मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज अलग अलग होता है, नर्सिंग की एक छात्रा जो है एडमिट थी, और उसको कुछ ड्रग्स भी चल रहे थे, ठीक है, इलाज चल रहा था, तो रात को उसको लगा ऐसे कोई आदमी बाजू में खड़ा है, ठीक है, तो एक जो भी खड़ा है उसके संदर्भ में हमने हमारे तरफ से 2 सदस्यों की कमेटी गठित की थी, ठीक है, क्योंकि इस संदर्भ में वो जाके जो है जानकारी लिए और उचित कार्रवाई करके जो है हमने हमारे संचालक महोदय को उसकी जानकारी दी थी। यहाँ हॉस्टल का व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे 0 है पूरा, और यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे ये दिखाया जाता है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी मैकेनिकल है, जो भी है, वो खुलेआम हॉस्टल में घूम सकते हैं, ड्राइवर आके घूम सकता है हॉस्टल में, लेकिन हमारे पेरेंट्स हॉस्टल के अंदर आके पानी भी नहीं पी सकते हैं। हमें चेयर में जो बाहर है उसमें बैठा नहीं दिया जाएगा, लेकिन रात को खुलेआम हमें हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाएगा, वो भी हॉस्पिटल में उन कर्मचारियों के बीच में। और मैम क्या बोलती है कि तुम लोग को जब पता था 10 बजे कि तुम लोग के साथ ये सब हो सकता है, तो तुम लोग पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किए? तो जब हमें पता होगा तभी ना हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे साथ जब होगा, हम पहले से जानते हैं क्या कि हमारे साथ ये सब होगा? आप लोग का पहले भी तबीयत खराब हुआ होगा कभी, और ऐसा ये लोग बंद कर देते थे क्या हॉस्टल? सर, ये पहली बार हुआ है, लेकिन हम लोग जब भी वार्डन के पास जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम के लिए, तो दरवाजा सीधा मुंह पे बंद करती है और बोलती है कि मेरे पास मत आना, बोलती है डायरेक्ट। तो आप लोग नहीं पूछते किनके पास जाना? तो मैम लोग क्या बोलते हैं कि वो बिचारी वार्डन है, एक साथ 200 बच्चे को कैसे संभालेगी, हाँ। यही बोला जाता है, तो हम किसके पास लेके जाएं? फिर हम चुप हो जाते हैं कि हमारे बोला जाता है हम तुमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फिर हम चुप हो जाते हैं। हम यहाँ बहुत बार वो हो चुका है, फिर भी उनको अभी तक नहीं निकाले हैं, बहुत बार एक्शन हो चुका है। ये भी बोला जाता है कि तुम्हें प्रैक्टिकल नंबर कम दिया जाएगा यदि तुम बोलोगे तो, ऐसे करके हाँ मानसिक पटाना किया जाता है यहाँ। सबसे बड़ी बात वार्डन ही, हमें वार्डन चाहिए ही नहीं, और बोल रहे हैं ना वार्डन को निकाल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हॉस्टल है हमारा एक दुर्ग में, पद्मनाभपुर में, वहाँ बस उसको रिप्लेस किया गया है, रातों रात रिप्लेस कर दिया गया, और ये दोनों सबकी मिली भगत है, इनके स्टाफ की, ये शुरू से हो रहा है हमारे साथ, और अब पता नहीं कब तक होगा, और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये होते ही रहेगा हमारे साथ। नहीं चाहिए। गार्ड की क्या समस्या है सामने? गार्ड के नाम पे कोई है ही नहीं सर, जो गार्ड थी ना सर वो सिर्फ दिन में 1 बजे से शाम 6 बजे तक रहती थी बस, रात को तो कभी कोई गार्ड थी ही नहीं, तो गार्ड की समस्या तो हमें शुरू से ही है। तो आप लोगों को कभी सिक्योरिटी को लेकर के डर नहीं लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति हॉस्टल के अंदर घुस सकता है? सर डर हमेशा से है, क्योंकि घुसता ही है हर एक आदमी हमारे हॉस्टल में, वार्डन के साथ घूमता है, और दरवाजा बिना खटखटाए कोई भी आदमी घुस जा रहा है, चाहे वहाँ कोई भी हो, कुछ भी हो, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है जो कि वार्डन के द्वारा ही करी जा रही है। इस चीज को आप लोग कभी उन वार्डन से नहीं शिकायत की कि हमको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, आप हमारे कमरे में किसी और को मत लाइए? वो सीधा पता है कॉल में रहती है और बोलती है कि हाँ मैं बता रही हूँ करके बता देती है, सब कुछ बता देती है। हम मतलब नाम लेने से ही हम डर जाते हैं ना, क्या हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अकेले कोई कुछ बोलेगा तो सब पीछे हट जाते हैं। आपके साथ जो कल घटना हुई छेड़छाड़ की, उसका आप किसे दोषी मानते हैं? आपके हिसाब से क्या ठीक होता तो वो ऐसा घटना आपके साथ नहीं होता?
अगर कल वार्डन होती तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमको बच्चे समझ के वहाँ पे ये सब किए थे। और वहाँ की सिस्टर इंचार्ज भी बोली थी कि वार्डन का है, वार्डन ने वहाँ आने से मना कर दिया था, वार्डन ने बोला था कि आप लोग रुको रात करके, और उसने दरवाज़ा खोलने से ही मना कर दिया था 12 बजे के बाद। कि डराया जाता है आप लोग को प्रैक्टिकल नंबर या बाकी चीज़ों के जरिए कि आप लोग कंप्लेंट आज तक नहीं किए, क्योंकि लंबे समय से आप लोग का कहना है कि ऐसा कुछ हो रहा था, तो आज तक कंप्लेंट ना करने का रीज़न क्या था? मेंटली टॉर्चर करते हैं। कल जो आप लोगों ने जो बात की थी तो उन्होंने वार्डन ने एग्जैक्ट क्या बताया था, ये आप लोग बता पाएंगे क्या? कल जब आपने फ़ोन किया होगा कि हमको आना है घर के, तो क्या बोले थे उन्होंने? हाँ, वार्डन बोली थी कि आप लोग वहीं रुको, नहीं आना है बोली थी। हम लोग बोले कि 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने बोला कि मैं 12 बजे के बाद कोई गेट नहीं खोलूंगी। इतना पोलाइटली नहीं बोलती है वो कभी भी। रूल्स रेगुलेशन के नाम पे सिर्फ यहाँ हमें मानसिक प्रताड़ना दी जाती है वार्डन के खिलाफ, उसको रोल कॉल के सिवा कुछ लेने आता ही नहीं है। वो रोल कॉल में सिर्फ हमारा अटेंडेंस लेती है और मैम को कंप्लेन करती है कि कौन बच्चा सो रहा है और कौन जाग रहा है, कौन कॉलेज नहीं गया है, बस। उसके सिवा हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये सारी गलती वार्डन की है। दुनिया भर के आदमी हमारे हॉस्टल में आके रुकते हैं, रहते हैं, उनके रूम में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों ने क्या अपनी प्रिंसिपल मैम से कभी इस चीज़ की शिकायत की क्या? पिछले हो, लेकिन अभी तक अभी रेस्ट गेट नहीं किए, 3-4 बार हो गया उनके साथ। प्रिंसिपल मैम के पास आप लोग जाते हैं तो प्रिंसिपल मैम का क्या कहना रहता है? सर, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन सब मैम जानते हैं कि वार्डन कैसे। कल कौन गया था प्रिंसिपल मैम के पास? प्रिंसिपल मैम रूम में आई थी, रूम में आई थी। क्या बात थी प्रिंसिपल मैम से? मैम ने बोला कि उसे वार्डन की गलती थी, अगर वार्डन होते तो ये सब नहीं होता। और वहाँ एडमिट थी वो, प्रिंसिपल मैम को भी नहीं पता था कि वहाँ एडमिट है। अगर वार्डन रेस्टिकेट नहीं हुई इसके बाद भी, तो हम फिर से आपको कॉल करेंगे। अगर हमको कोई धमकी दी गई कि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स मार्क काटेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर भी हम आपको कॉल करेंगे। तो आप लोगों को आना डर है आप लोग? जी बिल्कुल डर है, ज्यादा डर है सर। बहुत केस हो चुका है, फिर भी वार्डन को नहीं निकाले हैं, और प्रैक्टिकल काट देंगे करके हमको चुप करा दिया जाता है। अच्छा सर, सुनिए ना, वो अच्छे से दिखा, वो मुंह छुपा के भाग रहे हैं। अभी आपके सामने सर बोले ना, इनको आज पता चला, कल प्रेस रिलीज उनका, वो अभी दिखाए हम लोग को कि कल उसको रेस्टिकेट किए। कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय। किस मामले को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 दिन परसों रात की घटना है। एक छात्रा बहन का तबीयत खराब हो गया, उसको ओपीडी लेके गए, इसी कॉलेज के कैंपस के अंदर ओपीडी है, वहाँ लेके गए, उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे थे। रात की बात है, वार्डन मैडम को छात्र बहनों ने फ़ोन किया कि मैडम हमको थोड़ा लेट हो सकता है, तो मैडम का रवैया ये था कि आप लोग मर जाओ, हम हॉस्टल का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। आखिरी में उनका 1 बजे करीब ग्लूकोज खत्म हुआ, तो भी मैडम को फ़ोन किया, मैडम ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उन बहनों ने निर्णय लिया कि हम वहीं रुकेंगे रात को। वो रात को रुकी थी वहाँ के एक कर्मचारी द्वारा एक छात्र बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला आया, और छात्र बहनों ने कल लिखित में शिकायत किया। हेलो, कल मैडम को लिखित में शिकायत किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर छात्र बहनों ने हमें सूचना दी और हम आके यहाँ बैठे हैं। न यहाँ प्रिंसिपल मैडम है, न यहाँ डीन सर हैं। एक प्रभारी डीन, मतलब जो प्रभार देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, वो आए और बोलते हैं मैं तो नर्सिंग कॉलेज जो है उसको मैं देखता ही नहीं हूँ। किन से बात हो रही वाली अभी? हेलो, हाँ प्रिंसिपल मैडम बोलिए। हाँ, वो रानी है क्या? हाँ जी, रानी है ना मैडम, बोलिए ना, क्या बात है? बात कराइए उससे। किस विषय में बात करना है मैम आपको? हाँ जी, ये लीजिए, मैं उनका भाई बोल रहा था मैं उनका। ये रानी, ये है, ये बात करिए। हाँ, बात करिए। यस मैम। हाँ रानी, तोश मैडम के पास में चले जाओ बेटा। मैंने बताया था ना कि जो आप लोग को कंप्लेंट करना है उस डायरेक्शन में मैंने डीएमई सर से मार्गदर्शन ले लिया है, बोला है कि तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो आप और गुंजा दोनों ना तोश मैडम से जाके मिलो, मैडम आप लोग को लेके जाएगी, गीता मैडम और तोश मैडम, ठीक है? उनके पास में चले जाओ अभी तुरंत। मैडम, हेलो हेलो मैम, मैं नागेश्वर यादव बात कर रहा था, विद्यार्थी परिषद। हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे। जी सर, मैडम आपके पास शायद कल भी कंप्लेन गई थी, बहनों ने कंप्लेन किया था आपके पास? मैं खुद गई थी उनके पास, मैं मिल के आई। तो मैडम आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ना आपने वार्डन मैडम को वहां से हटाया, आपने निलंबित किया है बोल रहे हैं,
मैडम 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 हाँ हाँ सुनाइए मैडम सुनाइए आप सुनाइए। वार्डन ना आज आई है रायपुर से। अच्छा। वो हमारी प्यून है तुलिका जो है ना हमारी दैनिक वेतन भोगी वो प्यून है हमारी है तो कैसा रवैया है उनका वार्डन है वो तुलेशिया साहू मैडम है। मैडम उनका रवैया कैसा आपको पता है छात्रों को क्या बोल रहे हैं रात को 12 बजे देखिए हमको कार्रवाई करने दीजिए जो हमको करनी है। क्या कार्रवाई की मैडम आप क्या कार्रवाई की मेरे को ये बताइए। मैं आपके आपको ना आंसर देने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मेरे को कौन है मैं हाँ ठीक है मैडम कौन है रिस्पॉन्सिबल कौन है आप बता दी आप जो है मैम सुनिए मैडम जो रिस्पॉन्सिबल है आप मेरे को उसका नाम बता दीजिए मैं उससे बात कर लूंगा आप क्यों नहीं तो मैं छात्रों के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ ना मैंने डीएमई सर से मार्गदर्शन लिया देखिए हम सारी कार्रवाई ना गवर्नमेंट के हिसाब से हम करते हैं है ना तो हमको पहले सारा चेक करना पड़ेगा लिखित में हमने किसको दिया है मैडम कौन सी समिति को दिया है आपने कि कौन सी समिति को दिया है आपने समिति हमने गठित करी है उसके अनुसार मैम सदस्य के नाम बताइए मैम सदस्य का नाम बताइए प्लीज भैया जी सुनिए ना आप मैडम अपना कार्य करने दीजिए मैम हम भी अपना कार्य करने ही आए हैं मैडम हम भी आप लोग अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम करने आए हैं आप लोग क्या कर रहे हैं बात को दबा रहे हैं मैडम आज एक आप क्या बोले हैं कल बच्चों को आप क्या बोले हैं गॉड गॉड गिफ्टेड हो आप लोग बच गए हो ये आपका रवैया है मैडम मैडम आपका ये रवैया है क्या आपने ऐसा बोला है ना बच्चों को ऐसा बोला है मैडम जो छात्र बहने आपके पास गई थी ना मैडम आपने उनको ऐसा बोला है हाँ मैडम जो आप गए थे तो आपने उन बहनों को ऐसा बोला है आप प्रिंसिपल आप बच्चों से कराइए मैडम मैम यहाँ कौन है रिस्पॉन्सिबल अभी यहाँ पे कौन है मैम यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है मेरे को उससे बात करना आप कॉलेज में नहीं है मैडम है ना वो तो है वहाँ पे कौन सी मैडम है कोई मैडम यहाँ ना कोई सर बात कर रहे हैं ना कोई मैडम बात कर रहे हैं कोई बात नहीं कर रहे हैं मैडम भेजिए ठीक है मैम आप फोन करिए हम बैठे हैं यहाँ पे भेजिए अब उनसे बात करेंगे ठीक और जो कर चौहान मैडम कौन है बुलाइए चौहान मैडम कौन है हाँ ये बताइए भैया हम लोग उस समय बात अधूरी रह गए कॉल आ गया था क्या क्या मामला था और पूरी बात एक बार बताइए और ये भी आप लोग ही बताइएगा जो है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या कोई इस चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जो बहने थी रात को वहां रुकी थी उनके साथ छेड़छाड़ किए वहां के कर्मचारी के द्वारा उन बहनों ने अपने आप को डिफेंस किया फिर वो जो कर्मचारी था भागा भागने के बाद कल की बात है कल सुबह की बात है बहनों ने प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन भी किया बताया भी तो प्रिंसिपल मैम ये बोल रही हैं उनको कि आप लोग गॉड गिफ्टेड हो बच्चों कि आप लोग के साथ कुछ नहीं हुआ आप लोग बच गए ये प्रिंसिपल मैडम का रवैया है। वहाँ की जो वार्डन है वो बोलते हैं वार्डन जिम्मेदारी नहीं लूँगी रात को 2 बजे फ़ोन बंद कर दी ये कैंपस के अंदर की बात है कैंपस के बाहर भी नहीं गए हैं बच्चे अगर किसी का तबीयत खराब होता है न यहाँ वार्डन उनके साथ जा रही है ना हॉस्पिटल ओपीडी है ना वहाँ कोई नर्स एक नर्स थी और 4 वुमेन वार्ड बॉय थे और 3 बहनें थीं वहाँ अगर आज सिर्फ छेड़छाड़ हुआ है अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता आपने अभी देखा सर बैठे थे मैडम भी यहाँ सभी लोग लगभग बैठे हुए थे कैसे अपनी जिम्मेदारी से बचे हुए और गेट के बाहर भागे हैं तो हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक यहाँ रिस्पॉन्सिबल आदमी जो बात करने लायक जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे और हम अपनी मांग को रखेंगे। पहले मतलब जो छात्रा हैं उनका तबियत खराब हुआ वो लोग हॉस्टल की रहने वाली हैं जी हॉस्टल की रहने वाली हैं और वहाँ के हॉस्टल के भी कुछ हैं ना वहाँ का व्यवस्था साफ सुथरा ठीक है ना वहाँ खाना बहुत गंदा है दाल में चावल में कभी कीड़ा निकलता है हॉस्टल एकदम साफ सफाई नहीं है ना हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड नहीं है यहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल और छोड़ दीजिए गार्ड नहीं है रात को अगर कोई जब तबियत बिगड़ा उसके बाद उनको वहाँ ओपीडी में ले जाया गया तो वहाँ किस कर्मचारी ने ये किया था उसका नाम एक बार बता दीजिए। उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है बहनों ने बताया था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वहाँ का कोई एक कर्मचारी था जो रात को वहीं रुका हुआ था उसने किया ये। उसके बाद इन्होंने किससे कंप्लेंट की इन्होंने अभी तक किसी से कंप्लेन नहीं की है ये बहनों ने सिर्फ प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन की क्योंकि रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है ना रात में इनको हॉस्टल जाने से फिर मना भी कर दिया गया था क्या यहाँ वार्डन मैडम तो फोन बंद कर दी बोलती है आप लोग मर जाना मत आना हॉस्टल मैं रात को 11 बजे के बाद हॉस्टल नहीं खोलूंगी। क्या मामला था मैम और आपको अब तक इस जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिली पाई प्रदर्शन का तो कुछ मैं नहीं बोल प्रदर्शन चल ही तो रहा है मैम अब नारा लगा ही रहे हैं लेकिन बच्चे लोग के हित में ही काम करेंगे ना सर हम लोग जो क्या घटना क्या थी जो भी था घटना जो भी नहीं क्या हुआ था ये बता दी वो कोई वार्ड बॉय वहाँ सफाई कर्मचारी था वो कुछ आवाज आई बोल रहा है और वो आया देखने और बच्ची ने देख लिया और वो घटना तो कुछ भी नहीं बता रहे बस यही बता रहे कि वो सामने खड़ा था
मतलब आपके हिसाब से छेड़छाड़ नहीं कर रहा? नहीं, वैसे ही बताया गया कि वो एकदम सामने खड़ा था। ये जो हॉस्टल में जो वार्डन है, इन्होंने ये रात में ही वापस जा सकते थे घर, फिर भी जबरदस्ती हॉस्टल में इनको रुकना पड़ा क्योंकि 12 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, वार्डन को ऐसे नहीं करना था। एक बच्ची और एडमिट मतलब हॉस्टल में बीमार थी एक्चुअल में, इसलिए नहीं तो वो हमेशा जाती है वार्डन साथ में बच्चों के अस्पताल ले जाना है। लेकिन छात्र जो यहाँ तो हमेशा वो ही लेके जाती है, लेकिन उस दिन वो नहीं गई क्योंकि उसके पेरेंट्स भी थे, उस बच्ची के पेरेंट्स भी थे जो बच्ची रात पर रुके थे हॉस्टल, वो रात में थे, वो अचानक चले गए रात में, तो उसको बताए भी नहीं, उन पेरेंट्स ने भी इन्फॉर्म नहीं किया वार्डन को। अच्छा। हाँ, तो वार्डन की गलती यदि उसने ऐसा बोली है तो वो गलत है उस जगह, और बच्चों के साथ ऐसा तो होना नहीं चाहिए, गलत ही है। अभी यहाँ आने से जो बच्चे हैं वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ना तो हॉस्टल में गार्ड है, कितने दिनों से नहीं, क्या गर्ल्स हॉस्टल ऐसे ही चलाना चाहिए क्या बिना गार्ड के? नहीं नहीं, गार्ड तो होना चाहिए। नहीं है ना गार्ड? हाँ, गार्ड नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर तो बहुत बड़ा वो वार्डन रहती है, गार्ड के लिए अभी उन लोगों ने वो किया है मतलब अपना टेंडर डाला है, जो स्टूडेंट का कार्यवाही चल रहा है सर गार्ड के लिए। ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, इन्होंने आरोप लगा रहे हैं अभी जब बात सामने आई, हम जब आए तो ये छेड़छाड़ के अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे इनका कहना है कि वार्डन का रवैया शुरू से ही इनके प्रति खराब है, कोई भी व्यक्ति को लेकर के, वो गार्ड तो है नहीं वहाँ रोकने वाला या एंट्री करने वाला, तो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बाहरी व्यक्ति गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाता है, इनके कमरे में बिना पूछे अंदर जाता है, ऐसा छात्राओं का आरोप है। इसके बारे में आपको कितनी जानकारी थी, और अगर आज जानकारी मिले तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? छात्राओं ने ऐसा तो ना लिखित में बताया है ना वर्बली, इसका भी इन्होंने तोड़ बताया कि कंप्लेंट ना करने का रीजन कि इनको डर लगता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स काट दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, प्रैक्टिकल तो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, उन लोग क्या मार्क्स काटेंगे, उन लोग वो तो ठीक है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है मैम, एग्जाम हमने भी दिया है, वो हमको पता रहता है कि कॉलेज का कितना उस पर रहता है, ठीक है वो, लेकिन ये छात्राओं से बोलेंगे ही, और जो मतलब आपका कहना बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है? ऐसे यदि समस्या हमारे पास लिखित देते हैं तो हम कुछ ना कुछ कार्यवाही तो अपने लेवल में जो हो सकता है। पहले वार्डन के खिलाफ एक भी कंप्लेंट बच्चों ने की है या नहीं की है? नहीं, लिखित में तो नहीं की है। मैम देखिए बच्चियां हैं आपके पास, मतलब कोई वर्बली आकर के बताएगा, मौखिक रूप से बताएगा तो आप उसका निराकरण नहीं करेंगे जब तक आपको लिख के ना दे? कार्रवाई होती, पूछिए बच्चों से, आप अभी पूछिए बच्चों से कि कार्रवाई, आपके सामने बोलने को तैयार नहीं है लेकिन चेहरा ढक के सब बता रहे हैं। कार्रवाई होती है कि नहीं होती उन लोग बताएंगे, क्यों नहीं होती? जब आते हैं इन्फॉर्म करते तुरंत होती है, जो क्लास कोऑर्डिनेटर है, जो सब्जेक्ट टीचर है, जो उसमें इन्वॉल्व है, वो बराबर उस मैटर को सॉल्व करता है। प्रिंसिपल मैम जब कल इन बच्चों से पीड़िता से मिलने आई तो उन्होंने कहा आप गॉड गिफ्टेड हो, आप बच गए, वरना ऐसे मामले में कोई बचता नहीं, इस पर क्या कहेंगे? मैं उनके लिए क्या बोलूंगी, तो बच्चों के हित में ये सही चीज, ये सही लाइन थी या गलत लाइन थी? नहीं, बच्चों के हित में ही काम करेंगी, जब हमारी वो मुखिया है तो बच्चों के हित में ही काम करेंगी सर। बच्चों आगे अब तक आपने इसमें कार्रवाई क्या की, अब बस ये बता दीजिए कार्रवाई क्या हुआ नर्सिंग? अभी तो हमने इंटरनल जांच कमेटी बैठा दी है, इंटरनल जांच कमेटी जब भी हमको रिपोर्ट देती है, और हमारे हायर अथॉरिटी में भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और ये घटना कब की आपको पता? हाँ सर पता है ना मुझे, ये संडे नाइट की घटना है, सैटरडे नाइट की घटना, 3 बजे, तो संडे हो गया, संडे ही हो गया। तो कल संडे को आपने दिन भर में क्या किया? संडे दिन भर में मैडम आई थी, प्रिंसिपल मैडम आई, कल कार्रवाई जांच कमेटी सब कल गठित हो गई, तो इतना समय लगा क्या मैम इसका? टीचर नहीं रहते ना, कल कोई टीचर नहीं रहते, ऑफिशियल कोई नहीं रहता, तो इसलिए आज मैटर, आज लेटर बना, और कोई जिस कर्मचारी के खिलाफ यहाँ पर वो क्या बोलते हैं दर्ज हुआ, उसको हटा दिए। और वार्डन के लिए आप लोगों ने जांच समिति हटा दिए हैं, अभी वार्डन के वो को भी दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं जी, अभी जांच कमेटी के बाद FIR भी करने के लिए परमिशन ले लिए हैं सर, इतना ही कार्यवाही हुआ है सर। मैं प्रिंसिपल मैडम की जगह आज का कार्यभार मैं देख रही हूँ। ये आज तो प्रिंसिपल मैम यहाँ नहीं है, नर्सिंग कॉलेज की जिम्मेदारी अभी इन्होंने संभाली है प्रिंसिपल मैम की जगह पर। इन्होंने बताया कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, और जो जिसने छेड़छाड़ किया था, जिस कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा था, उसे हटा दिया गया है। आइए आपको और भी आगे के अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन छात्राओं के और भी गंभीर आरोप हैं कॉलेज प्रशासन के ऊपर, नर्सिंग कॉलेज प्रशासन के ऊपर, देखते हैं इस पर कार्रवाई कब होती है। तीरंदाज के लिए दीपक ठाकुर के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,